वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। पार्टी कारकुनों ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मरकज पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने कहा कि सिर्फ अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी के लिए उनको बचाया जा रहा है। देखिए, इट्स सो अनफॉर्चुनेट, हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमको करने नहीं दिया गया, हमारे लोगों को डिटेन कर लिया गया। देखिए, हम कंडेम करते हैं, टोटली क्रिटिसाइज करते हैं जिस तरह से हमारे लीडर को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया गया। मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर है, कि क्या उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, देन उसने एजुकेशन सिस्टम में टोटली कम्प्लीटली सी चेंज लाई, ये उसका कसूर है? ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर, क्या ये उसका कसूर है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितनी भी सीबीआई की या ईडी की जो रेट्स पड़ रही हैं, वो 100% सारी अपोजिशन पे पड़ रही है। ऐसा क्यों भाई, मुझे बताइए, एक भी सिंगल बीजेपी का एमएलए एमपी क्या उस पर रेड पड़ी, एक भी मुझे बता दीजिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टारगेटिंग की जा रही है, अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। हम कंडेम करते हैं हमारे ऑनेस्ट लीडर को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेलों में डाला जा रहा है। मुझे बताइए, क्या उसका ये कसूर है? उसने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, क्या उसका ये कसूर है? उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मुझे बताइए, जितने भी ये रेड्स पड़ रही हैं सीबीआई की ईडी की, अपोजिशन पे क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं बीजेपी के एमपी एमएलए पे पड़ रही है? मुझे बताइए, एक भी रेड पड़ी है?